द ट्रीज पोइम का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं. द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो. द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग. अंदर के वृक्ष अब जंगल की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि कवि कह रहा है कि उसके घर के अंदर जो वृक्ष लगे हुए हैं वो अब जंगल की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और घर के वृक्ष उस जंगल की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं जो जंगल इन दिनों वृक्षों से रहित था, यानी अभी वहाँ कोई पेड़ पौधे लगे हुए नहीं हैं, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था, क्योंकि पेड़ पौधे कम हैं इसलिए वहाँ पर पक्षियों का आना जाना भी नहीं है, और कोई कीड़ा भी अपने आप को छुपा नहीं सकता है. सूर्य का प्रकाश अंधकार में जहाँ अपने पैर नहीं जमा सकता, जो जंगल इन रातों में बिल्कुल खाली है, वो कवि के घर से वृक्षों के कारण वृक्षों से भर जाएगा. All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass. Small twigs stiff with exertion. Long crabbed paws shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors. अपने आप को दरारों से मुक्त कराने के लिए वृक्षों की जड़ें सारी रात कार्य करती रही हैं, यानी नए पेड़ पौधे उगने की कोशिश कर रहे हैं. उनकी पत्तियां खिड़की के शीशे की तरफ बढ़ रही हैं. उनकी छोटी छोटी टहनियां ये काम करने के कारण कड़ी हो जाती हैं, और लंबी तुड़ी मुड़ी शाखाएं छत के नीचे उथल पुथल करती हुई प्रतीत होती हैं. इसी प्रकार से जिस प्रकार जो अस्पताल से मरीज बाहर आते हैं उसी प्रकार वो टहनियाँ ऐसी बाहर आने को तैयार हैं. आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरेंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केयर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस. द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन ए स्काई स्टिल ओपन. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. सुनो, शीशा टूट रहा है. वृक्ष रात में बाहर की ओर बढ़ रहे हैं और हवाएं उनसे मिलने को दौड़ रही हैं, यानी कि कवि के घर के वृक्ष बाहर जा रहे हैं, और चंद्रमा एक आईने की भांति टूट गया है. इसके टुकड़े यानी चंद्रमा के टुकड़े अब सबसे लंबे ओक के वृक्ष पर एक ताज की भांति चमक रहे हैं. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. मैं बरामदे में बैठा हुआ लंबे पत्र लिख रहा हूँ जिनके कारण मुश्किल से अपने घर से जंगल के प्रस्थान को देख सकता हूँ, यानी कि कवि कह रहा है कि जो पेड़ पौधे उसने घर में लगाए हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें वो मुश्किल से देख पा रहा है क्योंकि वह लंबे पत्र लिखने में व्यस्त है. रात बिल्कुल साफ है, पूरा चंद्रमा अभी भी खुले आसमान में चमकता है. पत्तियों और शैवाल यानी काई की महक कमरे में एक आवाज़ की तरह अभी भी पहुंच रही है. कवि का मस्तिष्क विचारों से भरा हुआ है जो कल बिल्कुल शांत हो जाएंगे. कवि कहता है कि सुनो, शीशा टूट रहा है. वृक्ष रात में बाहर की ओर बढ़ रहे हैं, यानी जो उसने वृक्ष लगाए थे वो शीशों में से बाहर जा रहे हैं, हवाएं उनसे मिलने को दौड़ रही हैं.